हेलो फ्रेंड्स, मांझी ब्रो किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्रिस्पी एंड टेस्टी पालक के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। पकौड़े नहीं, पतौड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन को इसको हम एक क्रश करके इसमें डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप धनिया पत्ती थोड़ी सी, इसे मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा घोल इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा, जिससे कि क्रिस्पी बनेगा। ये हमारा बेसन का बैटर बनके तैयार है। ये हमने पालक के छोटे छोटे पत्ते लिए हैं और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें अच्छे से डिप करेंगे। तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें डीप फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनने वाले हैं और ये गोल्डन ब्राउन होते ही हम इन्हें निकाल लेते हैं। सभी पत्तों को बेसन में लपेट के और डीप फ्राई कर लेते हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। इसे लो फ्लेम में फ्राई करना है, तेज हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नई नई रेसिपी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल के सर्व कर लेते हैं। ये हमारे पालक के पतौड़े बनके तैयार हैं। आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।